यूपी चुनाव से पहले ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी बीजेपी, काशी से सीएम योगी ने की प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत। इन सम्मेलनों में बौद्धिक वर्ग को बुलाया जाएगा, टीचर्स इंजीनियर साहित्यकारों से बीजेपी के नेता संवाद करेंगे। यूपी के प्रयागराज में पीएम आवास योजना के तहत बने घर लाभार्थियों को दिए गए, तकरीबन 100 से ज्यादा लाभार्थियों को सौंपी गई चाबियां। यूपी विधानसभा चुनाव में एससी और ओबीसी को दी गई नौकरियां, बनेंगी योगी सरकार का चुनावी हथियार, जुटा रहे हैं आंकड़ा। यूपी चुनाव में सिर्फ छोटे दलों से गठबंधन करेगी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किया ऐलान। सात नवंबर से चलेगी रामायण सर्किट दर्शन ट्रेन, 750 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में होगी पूरी, पहला पड़ाव होगा अयोध्या। ट्रेन के जरिए भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे, ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी। यूपी में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक, उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, योगी का होगा समापन भाषण। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने एक कपल मैराथन और कमल क्लब जैसे नए प्रयोग करने की भी रणनीति बनाई। बीजेपी ने चुनाव से पहले युवा, महिला, किसान जैसे वर्गों को विशेष रूप से जोड़ने के लिए अपने मोर्चों को सक्रिय कर दिया है।